सर कोई एक्शन क्यों नहीं लेगी? अरे कंपनी एक्शन नहीं लेंगी क्योंकि कंपनी की अथॉरिटी भी नहीं है, वो कंपनी भेजेगी पुलिस स्टेशन। हाँ कंपनी तो पुलिस स्टेशन भेजेगी, लेकिन कंपनी अपने नाम से भी तो फाइल कराएगी ना सर। हाँ कंपनी, अरे कंपनी का सामान गया तो कंपनी भी फाइल कराएंगी ना। हाँ तो वही कह रहा हूँ सर। वही बोल रहा हूँ, हमने तो सर रखा नहीं था, कंपनी के फ्लैट में था वो। कंपनी के फ्लैट में नहीं था, तुमको किसने बोला लैपटॉप लाने के लिए? तो ऐसा बोला था मैंने, अगर क्या लैपटॉप सर जरूरत पड़ेगी तो मैं तो लैपटॉप तो यूज करूंगा ना सर, कैड का भी काम मिलेगा। अरे काम तू यहाँ जॉब करने के लिए आया, कैड का काम करने के लिए आया? दोनों चीज होंगी सर। हाँ फिर तू बोल रहा है कि कंपनी के गेस्ट हाउस में रखा था, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरे सामान की? क्यों नहीं है सर, कोई बाहर का बंदा थोड़ी ना लेके गया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है कंपनी के गेस्ट हाउस में लैपटॉप रखा था, मैं तो कंपनी ने तेरे को बोली क्या लैपटॉप लाने के लिए? कंपनी के गेस्ट हाउस में लैपटॉप रखा था वो मैं बोल रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बंदा नहीं कंपनी गेस्ट हाउस में। अरे भैया तू बोल रहा है कंपनी गेस्ट हाउस में लैपटॉप रखा था, कंपनी ने तेरे को बोल दिया लैपटॉप लाने के लिए? रखा था और जिसको, और जिसको जिसने दो दिन लैपटॉप लेकर गया ना, उसको तो अपने दो दिन पहले टर्मिनेट कर दिया था। तो दो दिन पहले टर्मिनेट कर दिया, एक्सटेंशन लिया था ना, उसने बोला मैं 16 तारीख को रिजाइन दूंगा। एक्सटेंशन लिया कौन बोला? एक्सटेंशन लिया टर्मिनेट करने के बाद रिजाइन का कोई कंसल्ट नहीं आता ना? कंसल्ट नहीं आता, उसका काम बचा हुआ था ना, वगैरह सारा कुछ बचा हुआ था। अरे भैया उसके बोले थोड़ी होता है, उसको जब कंपनी ने टर्मिनेट किया तो रिजाइन करने का कोई कंसल्ट नहीं आता? तुम्हारे कंपनी के गेस्ट हाउस में लैपटॉप रखा हुआ था, ऐसा थोड़ी रहता? ऐसे कहाँ छोड़ा था सर, कंपनी ने मतलब कोई अलमारी वलवारी थोड़ी ना दे रखी है, मैं तो अपने सूटकेस में रखता था सारा सामान। नहीं मैं जगह तेरे को बोल दो लैपटॉप लाने के लिए किसने बोला तो क्या बोलेंगे तू? लैपटॉप सर मेरा सामान, वो तो मैं लेके आऊंगा सर। हाँ तो फिर तू जिम्मेदार भी तू रहे, दे रही है ना फिर? मेरी क्यों, कंपनी ने मुझे कौन सा लॉकर प्रोवाइड किया था? मैं तो अपने सूटकेस में। अरे भाई ये तेरे को लैपटॉप लाने के लिए किसने बोला रे भैया? वो तो मेरी वो है ना सर, वो तो मैं लेके आऊंगा। तो फिर तेरी जिम्मेदारी है? नहीं चलो आप तो डायरेक्ट बोलो, मतलब इन टोटल आप कहना चाहते हो कि कंपनी कोई एक्शन नहीं लेगी? नहीं नहीं तू मुझे क्या कहना चाह रहे हो शॉर्ट में आप? अरे भैया कोई शॉर्ट में नहीं है, इतना मैं तेरे को एंटरटेन नहीं करता था, अगर मैं अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेते ना इतना एंटरटेन नहीं करता। तू बोल रहे की कंपनी के गेस्ट हाउस में लैपटॉप रखा था, इसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ। आपने गलत समझा, मैंने कहा कंपनी गेस्ट हाउस में वो रह रहा था हमारे साथ कंपनी। नहीं 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 वैसा नहीं बोला तूने, कॉल रिकॉर्ड भेजोगे देखो मैं वापस? हाँ भेज दो एक बार, हो सकता है मैंने बोल दिया। हाँ बोला ही है तो इसलिए मैं तेको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो इतना एंटरटेन नहीं करता था। बाकी सर अब प्रॉब्लम तो हुई है, मतलब इतने दिन हो गए प्रॉब्लम। हाँ तो मैं वही बोला ना, प्रॉब्लम हुई है, वीडियो मिल रहा, तेरा कॉल उठा रहा, बात करो तेरे से, तेरा मेल फॉरवर्ड करो, तूने देखा है ना? हाँ तो अभी वो भेजेंगे लखनऊ, अभी लखनऊ से देखते क्या होता है, बताते तेरे को। देखो कॉल करने रिपोर्ट होगी क्या सर? हाँ मेरी बात सुन, देखो कॉल करने संदीप तिवारी को फोन करके बात करने का, मुझे फोन नहीं करने का। संदीप तिवारी सर बोलते हैं उनसे बात करो। नहीं मैं बात करता हूँ संदीप से, है ना? वो संदीप तिवारी को फोन करने के लिए बोलना है यहाँ पर। ठीक है सर। हाँ ओके। समस्या सर, हम हमारे फ्लैट से सामान वगैरह हमारा चोरी हो गया, हम संचित अपार्टमेंट में रहते हैं 78 प्रेस्टीज कॉलेज के पास। कहाँ की घटना है ये? ये घटना संचित अपार्टमेंट की है, वहाँ से मतलब हम ADCC कंपनी में जॉब करते हैं। मेरा नाम पंकज है और ये नरेंद्र है, उसका नाम नरेंद्र है। हम लोग और हमारे साथ और 5 जने और रहते थे फ्लैट में कंपनी के, तो सुबह सुबह हम जाते थे अपने फ्लैट से कंपनी एंड शाम को वापस आ जाते थे। तो ये घटना 16 तारीख की है, 16 तारीख को जब हम वापस आए शाम को फ्लैट पे कंपनी के, तो हमने देखा कि हमारा कोई भी सामान नहीं है, स्पेशली मेरा कोई भी सामान नहीं है उसमें। क्या क्या सामान गया था, किस प्रकार से चोरी हुई? चोरी में सामान में सर मेरा लैपटॉप था, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे जितने भी थे, और मेरे कपड़े वगैरह और नॉर्मल कैश वगैरह था। तो किस प्रकार से चोरी हुआ है, कुछ डिटेल में बताइए। चोरी सर ऐसे हुई है कि हम जैसे फ्लैट पर आए, हमने सारा सामान देखा, कुछ भी नहीं मिला उसमें। नरेंद्र का लैपटॉप था, मेरा लैपटॉप था और बाकी सब सामान था। तो हमने फ्लैट पूरा तलाशा, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो हमारे अपार्टमेंट के जस्ट नीचे एक शॉप है, उसमें CCTV फुटेज लगा हुआ है। तो हमने जब फुटेज को चेक किया, तो हमारे साथ जो एक रहने वाला कंपनी के फ्लैट में जो रहता था, प्रताप नाम का लड़का, जो कि UP का है, तो वो सामान ले जाते हुए साफ साफ फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी जो घटना हुई है, थाने पर आपने कंप्लेंट करी क्या कोई?
हाँ सर, हम थाने में कंप्लेंट कॉपी दी थी, हमने थाने में शिकायत की थी, लेकिन उनका ये कहना था कि आप आरोपी को पकड़ के लेके आओ, हम उसे इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। थाना कौन सा है? थाना लसोड़िया। क्या टी आई साहब को क्या कहना पड़ रहा है? टी आई साहब से अभी बात हुई नहीं है, वो बोलते अभी आएंगे, बाद में आएंगे, बात करेंगे। अच्छा, वो कहीं आपने शिकायत करी किसी प्रकार की? हाँ सर, हम कल जन सुनवाई में गए थे तो वहाँ पे भी हमने डी आई जी साहब से बात की थी, तो उन्होंने भी बस इतना कोई ज़्यादा खास दिखाया नहीं, उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे क्या हो सकता है। अच्छा, कितने का सामान गया, कुछ आप डिटेल में बता पाएंगे? कितने रुपए का लागत का गया सामान आपका? सामान सर तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का सामान गया सर। अच्छा, ये जो लड़के थे जो सामान लेके गया, वो उसी कंपनी में था? हाँ सर, उसी कंपनी में था। कितने लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपके साथ में? जो फ्लैट पे रह रहे थे हम तो 6 जने और बाकी सर 50-60 जने काम कर रहे हैं कंपनी में। अच्छा, ये शिकायत कंपनी को करी आपने कि इस प्रकार से घटना हुई? हमारे सर कंपनी को हमने घटना की जानकारी तभी दे दी थी 16 तारीख को। कंपनी का क्या कहना पड़ रहा है? कंपनी का कह रही है आप? कंपनी का कहना ये है कि आप FIR लॉन्च कराइए, बाकी हमारी तरफ से जो कुछ होगा हम देखते हैं। आपने डिटेल दी कि पुलिस वाले कंप्लेन नहीं लिख रहे, ऐसा बताया आपने? हाँ, हमने सब कुछ बताया था कंपनी को, तो कंपनी का हम देखेंगे कुछ होगा तो, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। किस क्या कंपनी का नाम बताइए पूरा? कंपनी का नाम सर ADCC इंफोकेट प्राइवेट लिमिटेड। और किससे बात हुई थी आपकी कंपनी में? संदीप सर से बात हुई थी, राइट सर से बात हुई थी हमारी, तो उन दोनों का ही कहना है कि हम देखते हैं क्या हो सकता है। आपने उनको ऐसा कुछ बोला था कि सर आपने रखवाया था उन लड़के को जो सामान लेके गया हमारा? जी सर, हमने उनको बोला था कि आपने रखवाया था, कंपनी का फ्लैट था। हाँ, तो उन्होंने उनका कहना यही था कि कंपनी का फ्लैट था तो हम आपके सामान का हम कैसे वो करेंगे, आपके सामान की हम जिम्मेदारी कैसे करेंगे। उनका राइट सर का उल्टा मेरे से क्वेश्चन था कि तुमको किसने बोला था लैपटॉप लाने के लिए यहाँ, लेकिन सर मेरा कैड वगैरह का काम है तो लैपटॉप मेरे को ज़रूरी है। अच्छा, अभी आपको कहीं से कुछ मदद मिली है थाने से या कहीं से भी? अभी तक तो कहीं से भी मदद नहीं मिली सर, डेली हम कहीं भी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी मदद हमारी नहीं की गई है।